हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट एजुकेशन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे आपको सीटेट का एग्ज़ाम एनालिसिस करवाया जा रहा है, तो जो भी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन कौन से किस किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि पोचमपल्ली कहाँ है। तो देखिए ये पोचमपल्ली जो है ये कहाँ पे है, तेलंगाना के नलगोंडा जिले में है। कहाँ पे है, तेलंगाना में है। और कौन से जिले में है, नलगोंडा जिले में है। तो इसका हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आया था कि मिजोरम का लोक नृत्य है, तो इसमें देखिए मिजोरम के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। एक तो चिराव है, खल्लम है और एक चैलम है। तो इसमें जो भी हमारा आंसर दिया होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका आया था अहमदाबाद के सापेक्ष दिल्ली किस दिशा में है। तो अहमदाबाद के सापेक्ष दिल्ली किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक देखिए क्वेश्चन आया था कि लिखने में अक्षमता क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, डिस्लेक्सिया कहलाता है। तो एक क्वेश्चन और हिंदी में कौन सा पूछा गया था कि पुरुषार्थ संधि का विच्छेद कौन सा होगा। तो कौन सा हो जाएगा, पुरुष धन अर्थ हो जाएगा इसका विच्छेद। और अगर इसमें पूछ लिया जाए कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। देखिए आप लोगों का अगर आज एग्ज़ाम देकर आए हो, तो जो भी जिनका भी आज एग्ज़ाम हो, तो जिनको भी जो क्वेश्चन याद हो तो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा कि मैम कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस टाइप से आए थे, जो जो मैंने नहीं करवा पाए हैं यहाँ पे। ठीक है, और जिनका भी आंसर आपको याद हो तो आप लोग आंसर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन एक आया था। देखिए एक बीवर पक्षी से आया था। देखिए आपके एग्जाम में मतलब घोंसले से एक न एक क्वेश्चन किसी न किसी पक्षी के बारे में डेली का डेली पूछा जा रहा है। जो मैंने जितने भी अभी तक एग्जाम हो चुके हैं मैंने एनालिसिस डेली करवाया है। तो आप लोग जिन्होंने भी नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख जरूर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम देने में आसानी रहे, कुछ क्वेश्चन आपको मिल सके। देखिए कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, डेली का डेली रिपीट हो रहा है। देखिए इसमें पूछा था कि बीवर पक्षी का घोंसला के बारे में पूछा था। ठीक है, कुछ पूछा होगा इसके बारे में। तो मुझे पूरा क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया है और ना ही इसके आंसर मिल पाए हैं, बट आपके इसके बारे में बता दूं कि इनका घोंसला टहनी के सहारे हवा में लटका होता है। ठीक है, जिस स्थान पर ज्वार गन्ने की फसल ज़्यादा होती हैं उसी के आसपास के पेड़ों पर बया अपना घोंसला तैयार करती हैं। ठीक है, घोंसला बनाने की जिम्मेदारी किसको होती है, घोंसला बनाने की जिम्मेदारी किसको होती है, नर पक्षी को होती है। ठीक है, इसमें सॉरी गलती से नारी लिख दिया है, नर पक्षी की होती है जिम्मेदारी। यही शायद पूछा गया था कि जो बीवर पक्षी का घोंसला होता है ये घोंसला बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, नर या मादा की। तो उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नर पक्षी की होती है। ठीक है, आपका पूछा था कि एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा था कि कितने प्रदेश हैं, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आया था कि मगरमच्छ, छिपकली, सांप किस जगत के प्राणी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरीसृप प्राणी जगत के हैं। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भी यूपी टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए। ठीक है, ताकि आपको मतलब सारी क्लासें मिल सके, आप सभी लोग क्लास ले सके। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि हमारी जो भी क्लास आए तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन क्लास का पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। देखिए एक क्वेश्चन ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं मिल पाया है मुझे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। देखिए NEP 2020 से तो डेली का डेली 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने एक क्लास बनाई थी NEP 2020 से, तो आप लोग जिनका भी एग्ज़ाम हो तो आप लोग देख सकते हैं उस क्लास को। ठीक है, तो आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन मिल सकते हैं उसमें। देखिए हार्वर्ड गार्डनर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीन पियाजे से तो डेली 1-2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कोहलर वर्ग से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इन टॉपिक को जरूर से जरूर पढ़कर जाइएगा, इनके बारे में जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा कौन सा किसका सिद्धांत है। ठीक है,
देखिए इसमें पूछा था कि घरों के बारे में विशेषताएं दी हुई थी और उनके बारे में दिया हुआ था कि कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है, इस टाइप से कुछ पूछा होगा कि पहचानिए। ठीक है, तो इसका देखिए राइट, इसमें मुझे राइट आंसर क्वेश्चन तो कुछ मिल नहीं पाया, बट इसके ये जो राज्य पता थे उनके बारे में मैंने घरों के बारे में विशेषताएं बता दी है, तो आप लोगों को इसी को देख लीजिए कि मतलब किस राज्य में कैसे घर बने होते हैं। देखिए असम के घर कैसे होते हैं, बांस के खंभों पर बने होते हैं। ठीक है, 10 से 20 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं ताकि वहां पे देखिए बारिश ज्यादा होती है, बाढ़ ज्यादा आती है, इसलिए वो लोग अपना घर ऊपर बनाते हैं बांस से डंडों के सहारे बांधकर। ठीक है, लद्दाख में है तो लद्दाख में देखिए पत्थर के घर बने होते हैं और सॉरी पत्थर के बने घर और फर्श व छतें जो होती हैं वो कौन सा काहे की होती हैं, लकड़ी की होती हैं। ठीक है, लकड़ी की होती हैं। जो मनाली है, मनाली में देखिए पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छत होते हैं। ठीक है, ढालू जो छतें होती हैं वहाँ की ढालू होती है और पत्थर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में देखिए मिट्टी के बने घर, देखिए इसके बारे में क्वेश्चन आया भी था आपके एग्जाम में, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। लद्दाख के बारे में देखिए कल या परसों शायद आया था, राजस्थान के बारे में आ चुका है, तो इसका राइट आंसर इनमें यही हो जाएगा। आप जो लोग जिसमें जो आंसर दिया हो तो आप लोग उसको राइट कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप से कौन टॉपिक ज्यादा आ रहा है, वही आप लोग पढ़कर जाइएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का क्या उद्देश्य था। देखिए ये कल क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का क्या उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है, बच्चे का सर्वांगीण विकास, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन आया था। देखिए बच्चे प्रतीकों के माध्यम से किस अवस्था में सीखते हैं, तो किस अवस्था में सीखते हैं, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, यही हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, CDP का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया था कि हिंदी में प्रायोगिक में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इक प्रत्यय हो जाएगा। देखिए नोम चोमस्की से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, विलोम शब्द भी आ रहे हैं, तो आप लोग इन टॉपिक को पढ़कर जरूर जाइएगा और डेली एनालिसिस करिए ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो। ठीक है, तो जो भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कुछ भी याद हो तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा जरूर कि किनका आज पेपर था और किनका किस मतलब आने वाले दिनों में होने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्लास को यहीं से एंड करते हैं, जिनको जो क्वेश्चन मिल पाए हो या याद हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, क्लास को एंड करते हैं।